नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि अष्टक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि पति पत्नी में पति के अगर कर्क राशि है और पत्नी के अगर वृषभ राशि है तो उनका जो परस्पर वैवाहिक जीवन होगा वो किस प्रकार का होगा, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि करनी चाहिए, ऐसी कौन सी बातें जो कि टालनी चाहिए, ऐसी कौन सी बातें जिसके ऊपर अमल करना ज़्यादा आवश्यक है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर हर राशि के जो पुरुष है या फिर हर राशि की जो स्त्री है उनका परस्पर वैवाहिक जीवन किस प्रकार का होगा उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। हमने और एक चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है अज्ञात की ओर। जीवन में ऐसी कई बातें होती है जो कि अज्ञात में छुपी होती है, ऐसे कई रहस्य होते हैं जो कि अज्ञात में छिपे होते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। हमारे मन में उसके बारे में कुतूहल तो बहुत होता है लेकिन जानकारी हमें नहीं होती। तो ऐसी जो वीडियो है वो वीडियो इस चैनल पर हमने अपलोड किए हैं। ऐसी कई मोटिवेशनल कथाएँ होती है, स्टोरीज होती है जिससे हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा मिलती है, तो ऐसे भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड है। चैनल की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, ज़रूर चैनल पर जाना, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं कि पति पत्नी में अगर पति की कर्क राशि है और पत्नी की अगर वृषभ राशि है तो उनका परस्पर वैवाहिक जीवन किस प्रकार का होगा। कर्क राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की जो कुंडली होती है उस कुंडली में कर्क राशि चतुर्थ स्थान पर आने वाली राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है और इस राशि का जो तत्व है जल तत्व है और यह जो राशि है वो चर प्रकार की राशि है। तो इस राशि का जो नेचर है वो किस प्रकार का होता है, इसका जो स्वभाव है वो किस प्रकार का होता है। तो कर्क राशि के जो स्त्री पुरुष होते हैं या फिर व्यक्ति होते हैं उनके बारे में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, मतलब छोटी मोटी बातों पर बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। और यह जो अकेली राशि है, मतलब 12 राशियों में यह कर्क राशि अकेली राशि है जो कि रिलेशनशिप के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचती है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होती है। अब ये जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप घर के जो लोग हैं उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। इनके घर के जो लोग हैं उनके प्रति इनका जो खिंचाव होता है, इनका जो आकर्षण होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। मतलब वो इतना होता है कि यह जो व्यक्ति होते हैं, मतलब कर्क राशि के जो स्त्री पुरुष होते हैं, वो अपने सुख से ज़्यादा घर के जो लोग होते हैं उनके सुख दुख के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। मतलब ये इतना होता है कि अगर ये दुखी है और घर के लोग अगर सुखी है तो उसमें सुख मानने वाली यह राशि है, और अगर घर के लोग दुखी हैं और यह इनके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी घर के लोगों के कारण इस राशि के जो स्त्री पुरुष होते हैं वो दुखी देखे जाते हैं। तो इतना इनका जो अटैचमेंट होता है वो घर के लोगों के प्रति बहुत ही ज़्यादा होता है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनकी जो माँ होती है, इनकी जो माता होती है, इनके प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो आउट ऑफ द वे होता है या फिर बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। मतलब इन दोनों के जो एक्सचेंज होता है, उनके एक्सचेंज ऑफ इमोशंस जिसे हम बोलते हैं, भावनिक तौर पर बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ आँख में देखकर ही इन्हें पता लग सकता है कि अब इनकी जो माता है इनका कोई दुख है या फिर जो भी बात है, तो इनका अट्रैक्शन माँ के प्रति बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर इनके करियर के बारे में देखा जाए, इनके उन गुणों के बारे में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं और कंटिन्यूस मतलब हार्ड वर्किंग इनका जो नेचर है वो देखा जाता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनके बारे में यह जो राशि है वो थोड़ी प्रैक्टिकल होती है, मतलब पैसे कहाँ पर खर्चे करने हैं, कैसे खर्चे करने हैं, इसके बारे में इनको काफ़ी अच्छी मालूम होती है, जिसकी वजह से काम तो वो किसी भी प्रकार का कर लेते हैं, उसमें किसी प्रकार की चॉइस नहीं होती। मतलब इनके पास यही होता है कि काम करने से हमें इनकम होनी चाहिए, कुछ आय होनी चाहिए। अगर वो आय होती है तो इस राशि के जो स्त्री पुरुष होते हैं वो काम करने के लिए तैयार होते हैं। अकेली राशि है कि इस राशि के जो पुरुष होते हैं वो भी घर का काम करने में इनको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती, क्योंकि फैमिली में ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखने वाली है इस राशि और फैमिली के लिए करने वाली इस राशि। हालांकि घर के बाहर का जो काम है, अगर वो जो महिला होगी कर्क राशि की, तो घर के बाहर का भी काम करने के लिए तैयार होते, इसके लिए इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सिर्फ इनके पीछे, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि थोड़ी इनकम अच्छी होनी चाहिए, बस यही एक मांग होती है या फिर यही एक इच्छा होती है। अगर इनकम अच्छी हो जाए तो उनको इसके बारे में कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, बोलने के बारे में इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन कई घंटों तक एक ही विषय पर ये ज़्यादा बोल सकती है। इनकी जो कैपेसिटी होती है बोलने की वो बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है, कम्युनिकेशन स्किल भी ज़्यादा देखा जाता है,
और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनमें ईगो वगैरह बिल्कुल भी नहीं देखा जाता, लेकिन घर के लिए और जैसे हम जैसे मैंने बोला कि फाइनेंशियल स्टेटस किस प्रकार से आगे किया जाए या फिर अच्छा हो जाए उसके प्रति इनके मन में काफ़ी ज़्यादा विचार होते हैं और इनका फाइनेंशियल स्टेटस ऐसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा भी होता है। इस राशि की जो महिला होती है वो उत्तम गृहिणी की व्याख्या में बैठने वाली होती है, मतलब वो घर का काम भी और घर के बाहर का काम भी काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं और हमेशा हार्ड वर्किंग, जैसे मैंने कहा ना कि हमेशा कुछ ना कुछ तो काम करते रहेंगे, एक जगह पर स्थिर नहीं रहेंगे। और ऐसी तो जो बात है वो हमने मेष राशि के बारे में भी देखी, लेकिन मेष राशि के बारे में होता क्या है कि उनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी तीखी होती है, कर्क राशि के बारे में वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और कर्क राशि के बारे में जब आप उनसे कम्युनिकेशन करोगे तो उसके बारे में जो विषय होता है, बोलने का जो विषय होता है वो हमेशा रिलेशनशिप के बारे में होता है, मतलब आपके घर के लोग कितने हैं, घर के और आपके जो मतलब आपका और घर के जो लोग हैं उनका जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार का है, उनका जो परस्पर जो रिलेशन है वो किस प्रकार का है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, मतलब करियर के बारे में या फिर किसी और के बारे में या फिर समाज के बारे में इस राशि के जो स्त्री पुरुष है वो चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन जो घर के लोग हैं उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा चर्चा करते हैं या फिर उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस राशि के जो स्त्री पुरुष होते हैं इनके जो रहन सहन अगर देखा जाए तो बहुत ही सिंपल होता है, मतलब रहन सहन के ऊपर, फैशन के ऊपर ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे, जो भी बात है जैसे भी बात है जैसे भी कपड़े हैं उसको उसी तरह से कैरी करेंगे, उसके बारे में उनके ज़्यादा दिक्कत नहीं आती या फिर उसमें उसके संदर्भ में ज़्यादा वो पजेसिव भी नहीं रहते, ठीक है जो भी। लेकिन एक बात है, इस राशि के जो स्त्री पुरुष है खाने पीने के मामले में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि खाने पीने के मामले इस राशि के जो स्त्री पुरुष होते हैं थोड़े से मोटे हो सकते हैं, तो जिसे हम चर्बी ज़्यादा हो सकती है या फिर मेद वृद्धि जिसे कहा जाता है वो इनके बारे में हो सकती है, और मेद वृद्धि से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हैं वो उभर कर सामने आ सकते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए, रिलेशनशिप के मामले में अगर देखा जाए तो हमेशा इस राशि के जो स्त्री पुरुष होते हैं हमेशा जो फैमिली बॉन्डिंग होती है उनकी खास होती है, और विवाह के बारे में इनके जो पार्टनर होते हैं उनके साथ हमेशा इस राशि के जो स्त्री पुरुष है हमेशा इनकी जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, उसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। और कभी ये इस राशि के स्त्री पुरुष नहीं सोचेंगे कि डिवोर्स हो जाए या फिर अलग हो जाए, ये बात कभी, पहले तो बात जब ये किसी के साथ शादी या फिर विवाह करते हैं उसके संदर्भ में बहुत ही अच्छी तरीके से इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन निकालेंगे कि क्या है, कैसा है, किस प्रकार का है, और क्योंकि इनके लिए जो जो घर है, घर का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, इस राशि के स्त्री पुरुषों से अगर आपको जो आपके जो वैवाहिक संबंध है वो अच्छा रहना है या फिर आप चाहते हो कि उनके साथ आपके जो संबंध है वो काफ़ी अच्छे रह जाए, तो भूल कर भी या फिर सपने में भी ये मैं कहूँगा कि इनके घर के जो लोग होते हैं या फिर इनके जो माता जी होती हैं उनके बारे में अपशब्द या फिर नेगेटिव कभी भी नहीं बोलना, हो सके तो उनके बारे में कुछ अच्छी बातें बोलना, जिसकी वजह से आपके लिए इस राशि के जो स्त्री पुरुष हैं वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, मतलब ये इनके लिए की नोट है या फिर सीक्रेट का आप कह सकते हैं कि कभी भी भूल कर भी इनके जो माता पिता है इनके विरोध में अपशब्द या फिर विरोध में नेगेटिव बातें बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप ये करते हो या फिर इनके जो घर के लोग हैं इनके बारे में अच्छी बातें करते हो तो फिर इस राशि के जो स्त्री पुरुष है वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस राशि के जो स्त्री पुरुष है वो नॉर्मली अगर देखा जाए तो जॉइंट फैमिली में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप में काफ़ी विश्वास रखने वाली ये अकेली राशि देखी जाती है। और इस राशि की जो स्त्री के बारे में अगर देखा जाए तो इनको रोना धोना काफ़ी जल्दी आ जाता है, पुरुषों के बारे में भी ये बात होती है, तो करीबन ऐसी होती है कर्क राशि। वृषभ राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसमें द्वितीय भाव में आने वाली यह राशि, इस राशि का जो स्वामी है वह शुक्र है और इस राशि का जो तत्व है पृथ्वी तत्व है और स्थिर स्वरूप यह राशि है। स्वभाव के बारे में अगर देखा जाए, नेचर के बारे में अगर देखा जाए तो यह जो राशि है इसके पहला जो लक्षण है इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है, हमेशा हंसकर अपनी बात है जो सामने वाले रखने वाली यह राशि है, मिठास इनके वाणी में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और अपनी जो बात है वो अच्छे तरीके से आगे रखने की जो बात होती है इसमें राशि में देखी जाती है। इसी वजह से और देखिए जिस व्यक्ति की भी वाणी अच्छी हो तो उनके जो संपर्क होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है या फिर इनकी जो इमेज होती है, इनकी जो प्रतिमा होती है समाज में वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है, इसी वजह से इनके बारे में काफ़ी अच्छे विचार जो समाज के जो लोग होते हैं उनके होते हैं
दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण मत काफी हार्ड वर्किंग होते हैं इस राशि के। जो पुरुष या फिर महिला दोनों के बारे में अगर देखा जाए तो काफी हार्ड वर्किंग होते हैं। कोई भी अगर काम करना है तो उसके बारे में अच्छी तरीके से सोचेंगे, थोड़ा सा समय लेंगे, लेकिन अगर इन्होंने कोई भी काम हाथ में लिया तो अच्छी तरीके से पूरे करते हैं, और कितना काम कितना भी कष्टप्रद क्यों न हो लेकिन उसके बारे में कहेंगे नहीं, अपना जो काम है अच्छी तरीके से आगे बढ़ाते हैं। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, थोड़ा सा विजनरी होते हैं, मतलब आयु में या फिर इनके पास एक विजन होता है कि मुझे इस प्रकार से आगे बढ़ना है, मुझे इस प्रकार से लाइफ को आगे बढ़ाना है। तो यह बात इन इस राशि में काफ़ी अच्छी तरीके से देखी जाए। तो करियर के मामले में अगर देखा जाए तो इस राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से सेटल होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम नहीं आते। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात प्रैक्टिकल होते हैं, मतलब अगर कोई पैसे खर्च करने हैं तो सोचेंगे कि कोई भी वस्तु या फिर चीज़ लेनी है तो वो हमें काम में लानी है, वो ज़िंदगी भर हमें उसके जो उपयोगिता है वो होने वाली है या नहीं उसके बारे में अच्छी तरीके से सोचेंगे, और उसके बाद ही उसके संदर्भ में निर्णय लेने लेंगे कि कोई भी वस्तु हमें लेनी है या नहीं लेनी है। तो जो पैसे है वो किस प्रकार से कमाने हैं, किस प्रकार से खर्च करने हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में भी ये बात काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करनी है, कैसे करनी है। तो उसके संदर्भ में उनकी जो उनका जो ब्रेन है, उनका जो मस्तिष्क है, उनकी जो बुद्धि है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चलती है। रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए तो इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है, काफ़ी सोबर देखा जाता है। फैशन के प्रति इनका जो आकर्षण होता है, इनका जो अट्रैक्शन होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है। लेकिन फैशन तो करेंगे, फैशन के प्रति अट्रैक्शन भी होता है, सोबर रहेंगे, लेकिन जो फैशन होती है जैसे मैंने अभी कहा कि वो सोबर होती है, मतलब भड़कीले रंग इन्हें पसंद नहीं आते। इनकी जो रहन सहन होता है काफ़ी अच्छा तरीके से देखे जाते हैं। लेकिन पहले जो मैंने बात की कि इनका जो नेचर होता है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होता है, तो जो भी वस्तु खरीदेंगे उसके पहले वो देखेंगे कि इसकी कीमत क्या है और वो जो फैशन है वो हमें सूट हो रही है या नहीं। और कोई भी वस्तु लेनी है तो ज़्यादा जो शॉप्स होते हैं, दुकान होते हैं, उस पर जाएंगे और देखेंगे कि ये जो वस्तु है वो किस कहाँ पे उन्हें अच्छी भाव में मिलते, तो मोल भाव करना भी इन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से आता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण नंबर, जैसे मैंने कहा कि पैसे के मामले में यह जो राशि है थोड़ी प्रैक्टिकल होने के कारण बचत अच्छी तरीके से करती है और फाइनेंस इनका काफ़ी अच्छा देखा जाता है। तो ये बात इस राशि में बहुत ही अच्छी तरीके से देखी जाती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात रिलेशनशिप के मामले में भी, जैसे मैंने कहा कि इनके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा देखा जाता है, इनकी वाणी काफ़ी अच्छी होने के कारण किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन रिलेशनशिप में कभी भी नहीं देखे जाते इसी वजह से। लेकिन एक बात इनमें ज़्यादा देखी जाती है, हालांकि आप इनसे पहली बार मिलते हो, दो तीन बार मिलते हो तो इनके प्रति आपके मन में काफ़ी अच्छे आदर भाव आते हैं, लेकिन आपके अगर रिलेशन इनके साथ बढ़ जाए तो काफ़ी दिन होने के बाद इनमें थोड़ा सा कभी कभी आपको अहंकार जिसे हम बोलते हैं वो दिखाई दे सकता है, क्योंकि यह स्थिर राशि है तो स्थिर राशि में अहंकार का जो भाव होता है वो थोड़ा बहुत देखा जाता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इनका जो स्वभाव होता है, वो इनका जो नेचर होता है वो काफ़ी एडजस्ट करने वाला होता है, क्योंकि यह स्त्री राशि में तो थोड़ा सा एडजस्ट करने वाला भी नेचर होता है। तो जो मैंने कहा कि थोड़ा सा अहंकार या फिर अपने बात पे अड़े रहना, ये जो बात है वो उनमें थोड़ी सी देखी जाती है, लेकिन मोटे तौर पर मतलब उसी बात को लेकर पूरी रिलेशन के बारे में कोई बड़े डिसीजन इनके द्वारा नहीं ले लिया जाती। इसी वजह से रिलेशनशिप के मामले में यह जो राशि होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जैसे मैंने कहा कि पुरुष हो या स्त्री, इस राशि के जो स्त्री या पुरुष होते हैं वो घर के काम के लिए भी इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता, या फिर इनको ऐसा नहीं लगता कि घर के काम कैसे करें, घर के काम भी अच्छे तरीके से करते हैं, घर के बाहर के जो काम है वो तो काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं, क्योंकि ये राशि प्रैक्टिकल है। तो थोड़ा सा ज़्यादा अगर इनकम हो जाए तो वो इनके लिए काफ़ी अच्छा देखा जाता है और उसमें ज़्यादा समाधानी भी दिखाई देते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात खान पान के मामले में अगर देखा जाए तो यह जो राशि है इनका जो अच्छा खाना है, मतलब घर से ज़्यादा घर के बाहर का, मतलब होटल का खाना वगैरह ज़्यादा पसंद आता है। तो इस राशि की जो महिला होती है या फिर स्त्री वर्ग होता है उनके बारे में अगर देखा जाए तो घर से ज़्यादा घर के बाहर का खाना है उस पर वो ज़्यादा ये करते हैं, रिलाय करते हैं। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए कि जैसे इनकी जो आर्थिक स्थिति होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। इसमें तीन नक्षत्र आते हैं, कृतिका,
रोहिणी और मृगशीर्ष। इसमें जो रोहिणी नक्षत्र है, इस नक्षत्र के जो स्त्री पुरुष होते हैं वो बहुत ही हैप्पी गो लकी जिसे हम कहते हैं उसी प्रकार के होते हैं, मतलब जो भी है, मतलब जैसे भी है, और इनका लक फैक्टर काफ़ी अच्छा देखा जाता है। हालांकि इस राशि, इस नक्षत्र के जो स्त्री पुरुष होते हैं वो अच्छे फैमिली में उनका जन्म होता है या फिर उनको पैसे के मामले में कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं होती, लेकिन कृतिका नक्षत्र के जो स्त्री पुरुष होते हैं उनके बारे में उनको शारीरिक स्तर पर कुछ ना कुछ तो छोटे मोटे प्रॉब्लम या फिर गर्मी से रिलेटेड, हीट रिलेटेड इश्यूज़ वगैरह होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होता है, और इनका जो नेचर होता है वो थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है। मृग नक्षत्र के बारे में देखा जाए तो मृग नक्षत्र के जो स्त्री पुरुष होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, मृग नक्षत्र के जो स्त्री पुरुष होते हैं वो बहुत ज़्यादा अलर्ट होते हैं, छोटी मोटी बातें उनके ध्यान में अच्छी तरीके से रहती है, और उनको रीडिंग की काफ़ी मतलब अहमियत होती है, या फिर रीडिंग या फिर जो पुस्तक वगैरह होते हैं उनके रीडिंग करना उन्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा उनमें देखा जाता है। इस वजह से इनकी जो इंटेलेक्ट लेवल होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, वाणी के ऊपर प्रभाव भी इनका बहुत ही अच्छा देखा जाता है। जो शुरुआत में मैंने बात की वृषभ राशि के बारे में कि इनके वाणी पर पकड़ इनकी ज़्यादा होती है, तो मृग नक्षत्र के जो स्त्री पुरुष होते हैं उनके बारे में ये बात बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। तकरीबन पूरी तरह से इस राशि, इस यह जो राशि है, इस राशि के बारे में अगर देखा जाए तो इनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, इनका जो बोलना है वो काफ़ी अच्छा होता है। सिर्फ थोड़ा सा जो मैंने बात कही कि थोड़ा सा ईगो कभी कभी इनमें दिखाई देता है, वो अगर बात इनसे थोड़ी सी इन उसके ऊपर उन्होंने काम किया तो किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन रिलेशनशिप के मामले में कभी नहीं आते। तो पूरी तरह से इस प्रकार से यह राशि होती है वृषभ राशि। तो अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि कर्क राशि का या फिर वृषभ राशि का जो नेचर है, जो स्वभाव है, जीवन के प्रति उनकी दृष्टि किस प्रकार के होते हैं, उनका रहन-सहन किस प्रकार का होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि कर्क राशि के जो पुरुष है या फिर वृषभ राशि की जो स्त्री है उनका परस्पर वैवाहिक जीवन किस प्रकार का होता है। इसमें दो तीन बातें हैं जो कि दोनों राशियों में कॉमन है, जैसे कि दोनों जो राशियाँ हैं वो स्त्री राशि है, सॉफ्ट नेचर की राशि है, दोनों राशियों में बोलने का जो तरीका है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। उसी प्रकार बौद्धिक स्तर पर अगर देखा जाए तो भी ये दोनों राशियाँ हैं वो काफ़ी मतलब समान है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात दोनों राशि के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो दोनों राशियाँ काफ़ी प्रैक्टिकल होती है, मतलब पैसे कब कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्चे करने हैं, किस कहाँ से पैसे कैसे कमाने हैं, कैसे इन्वेस्ट करने हैं, किस प्रकार से इन्वेस्ट करने हैं, इसके बारे में इन दोनों राशियों को काफ़ी अच्छा ज्ञान होता है। तो पैसे के मामले में, फाइनेंशियल स्टेटस के मामले में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन दोनों राशि में नहीं आते। सिर्फ दो तीन बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। कर्क राशि के जो पुरुष है उनका रहन सहन के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं होता, लेकिन वृषभ राशि की जो पत्नी होती है उनका रहन सहन पर ज़्यादा ध्यान होता है, किस प्रकार से कपड़े पहनने चाहिए, किस कैसे कपड़े होने चाहिए, तो उसके बारे में इन दोनों में छोटी मोटी बातों के लेकर तकरार हो सकती है। दूसरे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, कर्क राशि के जो पुरुष होते हैं वो ज़्यादा रिलेशनशिप के बारे में बोलते हैं, लेकिन वृषभ राशि की जो स्त्री होते हैं उनका रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा बोलना, मतलब फैमिली मेंबर्स उनके बारे में ज़्यादा बोलने में ज़्यादा पसंद नहीं करते। वृषभ राशि की जो पत्नी होती है उन्हें बाहर बाहर घूमना फिरना या फिर रेस्टोरेंट में जाना या फिर शॉपिंग करना, जो बातें मैंने पहले भी बताई, उसमें ज़्यादा उनकी रुचि होती है, लेकिन ये बात कर्क राशि के जो पत्ते होते हैं उनको पसंद नहीं आती। तो यही बात है, इसकी वजह से भी दोनों में थोड़े मोटे छोटे मोटे बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो जोड़ा है, कर्क राशि के जो पुरुष है या फिर वृषभ राशि की जो स्त्री है या फिर पत्नी है, उनका जो जोड़ा है वैसे देखा जाए तो अच्छा ही देखा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि उनका जो लैंगिक जीवन होता है वो किस प्रकार का होता है। लैंगिक जीवन के बारे में अगर देखा जाए तो इसके बारे में भी मतलब बड़े ऐसे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते, हालांकि कर्क राशि के जो पुरुष है उनको अट्रैक्शन तो ज़्यादा नहीं रहता, और वृषभ राशि के पत्नी के बारे में अगर देखा जाए तो उनका अट्रैक्शन तो होता है लेकिन वो बोलते नहीं। प्रत्यक्ष लैंगिक जीवन के बारे में भी देखा जाए तो ऐसी बड़ी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन दोनों के बारे में नहीं आती। इसके बावजूद अगर आपके जो वैवाहिक जीवन है इसमें किसी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं तो इसके लिए आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि ये जो राशियाँ होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपके 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 चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है, और हर कुंडली में चंद्रमा के अलावा बाकी 11 ग्रह भी होते हैं, वो बाकी 11 ग्रह भी अपने अपने तरीके से आपकी कुंडली पर असर देते हैं। वो असर क्या है, उसके परिणाम क्या है, उसका अध्ययन करना ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, उसके बाद आपको इसके संदर्भ में मार्गदर्शन किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था कर्क राशि के पति और वृषभ राशि की पत्नी उनका परस्पर वैवाहिक जीवन किस प्रकार का होता है इसके बारे में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।
धन्यवाद।